हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे टैली की। टैली में एक फीचर से है जीएसटी क्लासिफिकेशन। जब आप टैली में जीएसटी के ऊपर काम करते हो तो कई टैब से ये आपसे पूछता है कि जीएसटी का रेट और एचएसएन कोड आपको कहाँ कहाँ पे पुट अप करना है। तो उसमें से एक जीएसटी क्लासिफिकेशन भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी क्लासिफिकेशन से ही संबंधित है। आज हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम में हम जीएसटी क्लासिफिकेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैली एंड एक्सेल में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग टैली के गेटवे में हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैली प्राइम में अगर जीएसटी का काम करना है तो सबसे पहले हमें जीएसटी को इसमें इनेबल करना होता है, राइट। तो जीएसटी को इनेबल आपको कर लेना है। अब फाइनली हमें क्या करना होता है कि चाहे आप ट्रेडिंग कंपनी में काम करो या सर्विस वाले फर्म में काम करो, तो उसमें आपको उसके सर्विस अकाउंटिंग कोड या फिर एचएसएन कोड के हिसाब से आपको उसमें जीएसटी का रेट भी डालना होता है। तभी जाकर के टैली प्राइम क्या करता है ना, उसका ऑटोमेटिक का आपका कैलकुलेशन करता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। हम लोग जैसे चले जाते हैं क्रिएट में, हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। मैंने कुछ भी यहाँ पर एक्स वाई जेड स्टॉक आइटम का नाम ले लिया, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसे प्राइमरी में रख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यूनिट ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हम लोग कर देते हैं। बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और जो तीसरा आपका दिया हुआ है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी क्लासिफिकेशन के ही ऊपर है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कि हम लोग के जनरली जो कि यूज करते हैं स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पर, है ना। जब हम लोग इसे सेलेक्ट करने के बाद इंटर मारते हैं तो हम लोग यहाँ पे आपका अगर सर्विस के लिए बना रहे हो तो सर्विस अकाउंटिंग कोड, राइट ना, और अगर स्टॉक आइटम के लिए बना रहे हो तो एचएसएन कोड, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग रेट में भी डालते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, यहाँ पर यूज यानी जीएसटी क्लासिफिकेशन को हम लोग यूज करने के लिए जा रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फायदा ये होता है कि आप अपने एंड से जीएसटी का आप अपना एक खुद का एक क्लासिफिकेशन को आप क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपको मैनुअल जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में एचएसएन कोड सो एंड सो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो देना है ये मैंने यहाँ पर दे दिया। इन द सेम वे हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में आते हैं, यहाँ पर टैक्सेबल लेते हैं, राइट है। यहाँ पर इसका जो भी परसेंटेज है 18 हो 28 हो जो भी हो बेस्ड ऑन वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर हमें मैनुअल बार बार यहाँ पे हमें चाहे वो उसका एचएसएन कोड हो या सर्विस अकाउंटिंग कोड हो प्लस उसका जीएसटी का रेट वो हमें देना होता है, ठीक है। यही काम आप अपना जब क्लासिफिकेशन को आप बना लोगे ना, बस आप उसे सेलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये आपका सारा आ जाएगा, जिसमें कि क्या होता है कि आपसे गलती भी नहीं होगी और दूसरी चीज की आपका टाइम का भी बचत होगा, ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है ये देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें क्लासिफिकेशन को आपको क्रिएट करना होगा। हम लोग चले जाते हैं अगेन क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले ही में दिख जाएगा जीएसटी क्लासिफिकेशन। चलिए इसके अंदर हम लोग जाते हैं, आ गए। मैं किसी मोबाइल के फर्म में काम कर रहा हूँ, वहां पर मोबाइल भी चलता है प्लस उसका जो एसेसरी है वो भी चलता है, यानी कि उसका परचेज एंड सेल होता है। तो मैंने यहाँ पर बना लिया जैसे कि मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ 18% के हिसाब से। इंटर को आपको यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको दे देना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हियर को आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया। अब इससे संबंधित जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर पहले से पुटअप कर देना है। अब जैसे कि मोबाइल पर जो भी आपका एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पर से पुटअप कर देंगे। इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है तो मैंने यहाँ पर मोबाइल सेट ही मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, अगेन ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पर टैक्सेबल,
और इसका जो रेट है आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 18% दिया है, जबकि ये कंपलसरी नहीं है, आप जैसा चाहो आप वैसा यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पर सेस वैल्यू, यहाँ पर वैल्युएशन का टाइप जो होगा वो आपका बेस्ड ऑन वैल्यू होगा, सेस रेट हमें यहाँ पर कुछ देना है नहीं। चलिए उसके बाद एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पर ये नो रहने वाला है क्योंकि इस पर आरसीएम हम लोग नहीं लगाने वाले हैं। और इसके बाद एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हाँ, तो आपको इतना सा काम आपको कर लेना है। इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ मोबाइल एसेसरी के लिए, यहाँ पर मैं इसके लिए लगाने जा रहा हूँ 28%, यानी कि मैं दो काम मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप डिफरेंट आप जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है वो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एसेसरी आपको दे देना है, या आप उसे ब्लैंक भी छोड़ देंगे, देखो बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर 28%, ठीक है ना। अगर सेस का मामला होगा तो बेस्ड ऑन वैल्यू पे होगा, और यहाँ पर अभी सेस हम इस पर नहीं लगाने जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सेस आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी के प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता है। सेम हम लोग यहाँ पर कॉन्फिगर कर लेंगे। तो दो हमने यहाँ पर अपने क्लासिफिकेशन को जनरेट किया है, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है, तो जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। जैसे मैं आ जाता हूँ क्रिएट में, सीधा चला जाता हूँ स्टॉक का आइटम में, एप्पल 13, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा इससे संबंधित आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया आईफोन, इसके लिए मैंने ग्रुप पहले से बना के रखा है। आपको पता है कि जब भी आप स्टॉक आइटम पर काम करें तो ग्रुप आपको जरूर बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लिया यूनिट, यहाँ पर आपका हो जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल। अब सवाल उठता है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने पहले से जो कि जीएसटी का क्लासिफिकेशन है हमने उसका मास्टर तो क्रिएट कर लिया है, बस इसे यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना। ये देखो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका मोबाइल भी आ गया और प्लस यहाँ पे उसका एसेसरी भी आ गया, दोनों है ना। तो बस हमें क्या लेना है यहाँ पे, ये हम जो बनाने जा रहे हैं मोबाइल के लिए बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे। देखो जैसे हमने इंटर मारा उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, तो ये टाइम का बचत हो गया ना। इसी तरीके से जब जीएसटी का रेट का मामला आएगा तो यहाँ पर यूज क्लासिफिकेशन पे अगेन हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें क्या ले लेना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया पावर बैंक, अब मैं एक बनाने जा रहा हूँ पावर बैंक करके, और ये भी जो है आपका आईफोन का है, मैंने इसे एज्यूम कर लिया है, आप भी मान लो। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एसेसरी, और यहाँ पे यूनिट, यहाँ पर एप्लीकेबल, अगेन वही आएंगे यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, क्या ले लेंगे आप, सेकंड वाला लेंगे मोबाइल एसेसरी, जिसके लिए हमने 28% के लिए बना के रखा है वो ले लेंगे। अगेन यहाँ पे नीचे आएंगे सेम वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे मोबाइल एसेसरी। ये देखो हमारा काम हो गया ना, इससे क्या हो गया कि हमारा जल्दी भी काम हो गया और हमें यहाँ पर मैनुअल कुछ भी पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग आते हैं वाउचर एंट्री में, इसे भी देख लेते हैं कि हमारा जो वाउचर एंट्री है वो सही हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं एक यहाँ पर परचेज की एंट्री ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने कुछ भी यहाँ पर बिल नंबर मैंने मान लिया है, कोई भी एक पार्टी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए ये हमारा रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर परचेज ले लेता हूँ, परचेज जीएसटी। अब जैसे कि हमने बनाया था आईफोन 13 बनाया था ना, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एप्पल 13। चलो यहाँ पर ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पर मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, लोकेशन वन में मैंने दो पीसी मैंने बाई किया 90,000 के हिसाब से, ठीक है ना। चलो अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये तो सारा फिलअप रहेगा ना भाई, आपको पता है, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं पावर बैंक जो कि हमने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको जिस लोकेशन में रखना है इसको रखिए, दो पीस मैंने इसको भी लिया और इसका रेट मैंने लगा दिया 5,000 रुपए करके। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे बिल के हिसाब से, एस जीएसटी एंड सी जीएसटी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हमने क्लासिफिकेशन को यूज किया है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परचेस का एंट्री भी ऑटोमेटिक हो रहा है। और ऑफ कोर्स जबकि परचेस का एंट्री हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है तो सीधी सी बात है हमारा सेल का एंट्री भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, सेव करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टैली प्राइम में जीएसटी क्लासिफिकेशन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने को सीखा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।